Hello everyone, myself Ram Vilas Singh, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic CHITTORGARH. Today we will study the topic part program for taper turning in CNC lathe machine, which is related to the subject CNC and automation. हम यहाँ देखेंगे taper turning on CNC lathe machine. एक problem given है आपको यहाँ पर to prepare a part program for taper turning as shown in figure A. Reduce diameter as in figure A from 50 mm to 30 mm. और डाटा क्या गिवन है आपको, देखिए फीड टखनी आपको 100 mm पर मिनट, स्पीड होगी जो 800 rpm एंड डेप्थ ऑफ कट इज 3 mm पर कट. देखिए कुछ डाटा गिवन है और आपको यहाँ क्या करना है, टेपर टर्निंग करनी है. एंड टेपर टर्निंग के अंदर आपको 50 mm से 30 mm में कन्वर्ट करना है यहाँ पर. तो जैसे कि आप देख रहे हैं डायमेट्रिकली आपको 50 से 30 mm कन्वर्ट करना है, यानी कि अगर हम रेडियली देखें तो रेडियली आपको 10 mm मटेरियल रिमूव करना है यहाँ पर, यानी कि टोटल कितनी डेप्थ तक आपको कट करना है, 10 mm तक. एंड डेप्थ ऑफ कट गिवन है आपको 3 mm पर कट. तो ऑब्वियसली यहाँ हमें 4 कट लगाने पड़ेंगे, 3 कट जो होंगे वो 3-3 mm के होंगे एंड लास्ट कट होगा 1 mm का. तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कुछ बेसिक्स क्या है इसके. देखिए टेपर क्या होता है, टेपर टर्निंग इज टू जनरेट कॉनिकल सरफेस, यानी कि जहाँ पे हम किसी शाफ्ट में अगर कॉनिकल सरफेस जनरेट करें, कॉनिकल सरफेस बनाते हैं, उससे हम टेपर टर्निंग कहते हैं. कॉनिकल सरफेस क्या होती है, जहाँ पर डायमीटर ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज होता है. जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है, किसी टेपर शाफ्ट का एक जो है सेगमेंट हमने लिया है, एक पोर्शन लिया है हमने. यहाँ पे देखिए जो मेजर डायमीटर है वो कैपिटल डी है, माइनर डायमीटर इज स्मॉल डी, एंड एल इज द टेपर लेंथ, क्लियर, एंड अल्फा इज द हाफ टेपर एंगल. अल्फा हम कहते हैं, अल्फा एक एंगल है जिसे हम हाफ टेपर एंगल कहेंगे, क्लियर. तो जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है टेपर. यहाँ देखिए अगर हमें ई की वैल्यू निकालनी हो, अगर हमें यहाँ पर ई एक पैरामीटर यहाँ पर सेट किया हुआ है, अगर हम ई की वैल्यू यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ई को निकालने का तरीका क्या है, देखिए कि बिगर एंड एंड स्मॉलर एंड दोनों की अगर हम रेडियस को माइनस कर दें तो हमारे पास ई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, क्लियर. यानी कि हम दोनों ही डायमीटर को घटा करके और उसका आधा कर दें तो हमारे पास ई की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, क्लियर. तो हमने यहाँ पर ई की वैल्यू निकालना सीखा. कैसे निकालेंगे हम ई की वैल्यू, दोनों डायमीटर को घटा करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी. एक चीज़ यहाँ पर है कि आपको हाफ टेपर एंगल हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए हाफ टेपर एंगल निकालने का तरीका ये है कि इसमें आप क्या करें, अगर यहाँ पर अगर ये अल्फा एंगल है तो ऑब्वियसली ड्यू टू सिमिलरिटी यहाँ जो एंगल होगा वो भी अल्फा ही होगा, क्लियर. तो यहाँ पे जो अल्फा एंगल है हमें निकालना है वैल्यू ऑफ अल्फा. तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ अगर हम ए बी सी ट्राइंगल बनाएं, देखिए यहाँ पर ए बी सी ट्राइंगल जो कि एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है. तो अगर हमें यहाँ पर निकालना हो 10 अल्फा तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए 10 हम कैसे निकालते हैं, 10 क्वेश्चन निकालने का फॉर्मूला क्या है, 10 इक्वल्स टू एल अपॉन ए. एल का मीन क्या है, लंब, और ए का मीन क्या है, आधार. तो लंब बटे आधार से हम यहाँ पर 10 अल्फा निकालते हैं. तो अगर हम इस त्रिभुज के अंदर देखें तो हमारे पास जो लंब है, लंब इज द अल्फा के सामने वाला जो भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं, दैट इज बी सी. और अल्फा के टच में जो होता है, टच में जो भुजा होती है वो आधार होती है, क्लियर. तो और जो थर्ड वन होता है वो कर्ण होता है. तो यहाँ पर हमने देखा कि 10 अल्फा निकालना हो तो 10 अल्फा इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी. बी सी की वैल्यू क्या है, ई. तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 अल्फा इक्वल्स टू ई, ई बाय एल. ई क्या है, ई इज द लंब, और एल क्या है, एल आपका आधार है, क्लियर. तो जैसा कि आपको जो है डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा, क्लियर. और ई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, और ई की वैल्यू हमने निकाली थी डी बाय कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन टू, दैट इज द स्मॉल ई,
तो इस तरीके से हम जो है अल्फा निकाल सकते हैं। अगर मैं 10 को इन्वर्स में इधर ले जाऊं, अगर मैं 10 को इन्वर्स करके राइट साइड में ले जाऊं, तो मेरे पास अल्फा क्यों लेगी, अल्फा इक्वल्स टू 10 इन्वर्स कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l। तो यहाँ पर हम इस तरीके से अल्फा निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं टेपर रेशियो क्या होता है। देखिए टेपर रेशियो इक्वल्स टू डिफरेंस इन डायमीटर अपॉन टेपर लेंथ, यानी कि डायमीटर में कितना अंतर आया है अपॉन टेपर लेंथ कितनी आपने यहाँ पर ली है। क्लियर। मैथमेटिकली कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल इक्वल्स टू 2e अपॉन एल। तो अपन को ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आपको अल्फा निकालना है तो अल्फा आप इस तरीके से निकालेंगे और टेपर रेशियो आप इस तरीके से यहाँ निकाला जाता है। टेपर रेशियो को और समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको गिवन है, टेपर रेशियो गिवन है आपको, टेपर 1/50 का क्या मतलब है देखते हैं। यहाँ पर टेपर रेशियो इक्वल्स टू 1/50, और जैसे कि हमने डेफिनेशन देखा है टेपर रेशियो इक्वल्स टू डिफरेंस इन डायमीटर अपॉन टेपर लेंथ, यानी कि कितनी लंबाई के अंदर डायमीटर में कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर ये इस रेशियो से यहाँ पर बताया जाता है। देखिए अब इसका मतलब हम क्या समझते हैं। यहाँ पर देखिए अगर 1/50 अगर कोई टेपर रेशियो है तो इसका मतलब है इफ़ वी कवर द लेंथ 50 mm। क्लियर। अगर हम लेंथ में 50 mm कवर करेंगे तो क्या होगा, देन देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 1 mm इन द डायमीटर। अगर हम 50 चलते हैं लेंथ वाइज तो डायमीटर में कितना अंतर आ जाता है, 1 का अंतर आ जाता है। क्लियर। या तो 1 mm इंक्रीज डायमीटर होता है या डिक्रीज हो जाता है। तो यह कुछ कॉन्सेप्ट टेपर रेशियो का। अब देखिए टेपर हमने देख लिया, टेपर रेशियो देख लिया, नेक्स्ट टेपर ऑब्जेक्ट आखिरकार काम कहाँ आते हैं। तो यूजुअली मशीन के अंदर टेपर का हम यूज कहाँ करते हैं, देर इज अ मेनी ऑफ मशीन कंपोनेंट विच हैव पुश फिट पैटर्न विच रिक्वायर कॉनिकल सरफेस। यानी कि मशीन के अंदर कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको फिट करने के लिए हमें पुश फिट की आवश्यकता होती है, और पुश फिट के लिए जो सबसे बेस्ट वे है दैट इज द कॉनिकल सरफेस। जैसे कि आपने देखा होगा डेड स्टॉक इन लेथ मशीन, लेथ मशीन के अंदर जो टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक के अंदर हम जो डेड स्टॉक लगाते हैं, एक कॉनिकल पार्ट होता है आयरन का, उसको हम लगाते हैं, तो उसको हम जो है पुश फिट तरीके से लगाते हैं, मतलब उसको पुश करते हैं और वो टेल स्टॉक के अंदर फिट हो जाता है। तो जहाँ भी ऐसे ऑब्जेक्ट है तो वहाँ हमें टेपर बनाने की आवश्यकता होती है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था, और भी टेपर यूज में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे हमने प्रॉब्लम देखी थी फिगर ए के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसकी हमें मशीनिंग करनी है यहाँ पर, और डाटा सारे गिवन है यहाँ पर। देखिए देख लेते हैं ऑब्जेक्ट, देख लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है 50 डायमीटर का। इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास 50 डायमीटर का था एंड लेंथ इज 100 mm। क्लियर। और यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है 30 mm के अंदर, जो आपके पास राइट एंड है वर्कपीस का इसे हमें बनाना है 30 mm का, और जो लेफ्ट है वो 50 mm का ही रहेगा। यानी कि हमें यहाँ पर जो है टेपर कट लगाना है। टूल आपका है ये जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया गया है, जेड डायरेक्शन एंड एक्स डायरेक्शन। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कट लगाना है, क्या होगा कट हम लगाएंगे, ये जो आपको कॉनिकल सरफेस दिख रही है, एक जो है आपको तिरछी सरफेस यहाँ पर दिख रही है, हम क्या करेंगे इस टेपर के पैरेलल कट लगाते जाएंगे। और कितने कट लगाएंगे यहाँ पर, 4 कट लगाएंगे। देखिए किस तरीके से कट लगाएंगे, देखिए यहाँ पर बता रखा है, इसमें बता रखा है हमने, हम यहाँ पर ये जो आपको कॉनिकल सरफेस यहाँ पर दिख रहा है ब्लैक कलर में, तो कॉनिकल सरफेस है ब्लैक कलर में, इसके पैरेलल हम 4 कट लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए आप जो कॉनिकल सरफेस था इसके पहले हमने जो 4 कट लगाए हैं, एक कट 2-3 की ओर, दूसरा कट 4-5 की ओर, तीसरा कट 6-7 की ओर, और लास्ट कट 8-9 की ओर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 4 कट लगाने होंगे। ऊपर के 3 कट जो है 3-3 mm के होंगे, और जो लास्ट कट होगा वो 1 mm का यहाँ पर होगा। तो टूल की पोजीशन क्या रहती है, देखिए टूल सबसे पहले एनीवेयर कहीं भी हो सकता है, टूल को हम सबसे पहले वर्कपीस के पास लाएंगे, देन वर्कपीस को एक निश्चित डेप्थ ऑफ कट को ले जाएंगे और पहला कट लगाएंगे। नेक्स्ट वापस टूल को रैपिडली पुनः पोजीशन पे लाएंगे, अगेन और डेप्थ ऑफ कट पर ले जाएंगे टूल को, और अगेन सेकंड कट लगाएंगे,
अगेन टूल आपका पुनः पोजिशन पे आएगा, अगेन टूल को और अधिक डेप्थ ऑफ कट तक ले जाएंगे और इस तरीके से हम तीसरा कट भी लगा लेंगे और लास्ट में और अधिक डेप्थ ऑफ कट तक ले जा करके लास्ट वाला कट भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें सबसे पहले टूल को पॉइंट टू पॉइंट मोशन कराना है। जैसे टूल आपका वन पर आया, वन से टू की ओर रैपिडली आया, टू से थ्री की ओर कटिंग करते हुए गया, फिर थ्री से वापस वन की ओर रैपिडली आया, फिर वन से फोर की ओर रैपिडली आया, फोर से फाइव की ओर कटिंग करते हुए आया। मतलब ये है कि टूल को हमें केवल इतना गाइड करना है कि टूल को कहाँ से कहाँ तक रैपिडली जाना है और कहाँ से कहाँ तक कटिंग करते हुए जाना है, यानी कि लीनियर इंटरपोलेशन के साथ जाना है। लीनियर इंटरपोलेशन में ध्यान रहे कि जब टूल आपका स्ट्रेट कट लगाते हुए मोशन करता है तो फीड रेट के साथ ही मोशन करता है। तो सबसे पहला काम हमें यह करना है कि जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी के आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट पता होने चाहिए, तभी तो हम टूल को बता सकते हैं कि टूल को कहाँ से कहाँ तक जाना है। क्लियर। और यहाँ पर चार जो है स्ट्रेट पाथ में आप कटिंग कर पाएंगे। देखिए, दो से तीन वाला पाथ जो है स्ट्रेट कट लगाते हुए पहला कट, चार से पाँच में दूसरा कट, छः से सात में तीसरा कट और लास्ट आठ से नौ में चौथा कट यहाँ पर आप कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर करते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लेते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले पॉइंट ए के लिए देखिए, आप पॉइंट ए माना कि पॉइंट ए जो है वर्कपीस का जो सरफेस है उससे 2 mm राइट साइड में है, तो जेड की वैल्यू हो गई यहाँ पर +2। पॉइंट वन के लिए देखिए कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, वन पॉइंट के लिए जेड की वैल्यू होगी +2 एंड एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स जैसे कि हमें पता है डायमेट्रिक पोजिशन बताता है, तो जो पॉइंट ए है आपका पॉइंट एक है वो सरफेस के ऊपर है और डायमीटर वर्कपीस का अगर 50 है तो वन की डायमीटर का पोजीशन जो है 50 से ज़्यादा ही होगी और हम ये मान के चलते हैं कि ये रेडियली 2 mm ऊपर है वर्कपीस से, यानी कि डायमेट्रिकली 54 इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हुआ आप लोगों को? जो पॉइंट वन है इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट, इसके जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गए 54.2। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट टू के लिए। तो देखिए पॉइंट टू क्या है, वर्कपीस का जो राइट सरफेस है इस सरफेस के ऊपर पॉइंट है और इस सरफेस के ऊपर हम जितने पॉइंट होंगे उसके लिए जेड की वैल्यू 0 होगी। क्लियर, या आपको क्लियर हो गया होगा। आपके पास देखिए ओरिजिन पॉइंट था और इस पॉइंट के इस ये पॉइंट जो है वो राइट सरफेस के ऊपर है और राइट सरफेस पे जो भी पॉइंट होगा उस वहाँ पर क्या होगी, जेड की वैल्यू 0 होती। तो इस तरीके से देखिए सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकल चुके हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए आपका कहाँ पर है, थर्ड पॉइंट सरफेस पर है, जो आपका सिलेंडर सरफेस है, सिलेंडर आउटर सरफेस है। तो थ्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास एक एंगल है अल्फा, ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे टेन अल्फा का। टेन अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब ये जो लेंथ है वो हो जाएगी लंब, ठीक है, लंब जो है ये लेंथ हो जाएगी, वर्टिकल लेंथ हो जाएगी और आधार क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लेंथ हो जाएगी। यानी कि अगर हम इस छोटे से ट्रायंगल में बात करें, D3 D2 वाला जो छोटा सा ट्रायंगल है अगर हम इसमें बात करें तो टेन अल्फा हम निकाल सकते हैं D2/D3। क्लियर। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको, देखिए सबसे पहले हम टेन अल्फा निकालेंगे। टेन अल्फा की वैल्यू क्या है, टेन अल्फा की हमने वैल्यू हमने निकाली थी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L। तो यहाँ पर सभी की वैल्यू हम देख लेंगे, कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, एल क्या है, देन हमारे पास वैल्यू आ गई 1/10। क्लियर। तो अब टेन अल्फा तो एक ही रहेगा, अब हम देखते हैं सबसे छोटे वाले ट्राइंगल के लिए 3D2 के लिए। तो आपके पास आ गया यहाँ पर टेन अल्फा इक्वल्स टू D2/D3 बराबर 1/10। तो इसको हमने सोल्व किया तो D3 आ गई अपने पास 30, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है पॉइंट तीन का वो कितना है, D से 30 है। मतलब टूल को क्या करना है, टूल को 2 से 3 की ओर आना है, तो इस दौरान टूल क्या करेगा, 30 mm जेड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर। यानी कि पॉइंट तीन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए पॉइंट तीन के लिए डायमेट्रिक पोजिशन होगी 50 एंड जेड डायरेक्शन में पोजिशन क्या होगी, 30 होगी। क्लियर, -30। तो इस तरीके से
पॉइंट तीन कोऑर्डिनेट आ गए 50, -30। तो सेम यही जो है फोर्थ पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे आप। फोर्थ पॉइंट देखिए सरफेस पर है, जो राइट साइड सरफेस उस पर है, तो जेड की वैल्यू जीरो होगी एंड डायमेट्रिक पोजीशन कितनी हो जाएगी, देखिए 6 नीचे आना पड़ रहा है टूल को अब, तो 6 mm नीचे आना पड़ रहा है, मतलब डायमेट्रिक पोजीशन इसकी होगी 50 - 12 मीन्स 38। तो फोर्थ की डायमेट्रिक पोजीशन है 38 और जेड की वैल्यू कितनी है, ऑब्वियसली जीरो होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइव के लिए। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, हम सेकेंड ट्राइंगल लेते हैं 5D4। ट्राइंगल का नाम है 5D4। इस ट्राइंगल में क्या होगा, अगेन 10 अल्फा की मदद से हम जो है D5 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, वही क्या हो जाएगी इसकी जेड के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने निकाला है D4/D5 = 1/10 होगा, D5 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपके पास 60, यानी कि पॉइंट फिफ्थ के लिए जेड डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी होगी, 60 होगी। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गए फिफ्थ के 50, -60, क्योंकि 5 जो है आउटर सरफेस पर है, इसलिए सी डायमेट्रिक पोजीशन 50 होगी एंड द जेड डायरेक्शन डिस्टेंस कितनी होगी, -60 होगी। इस तरीके से पॉइंट सिक्स के लिए देखिए, पॉइंट सिक्स राइट सर्फेस पर है, तो जेड की वैल्यू 0 एंड डायमेट्रिक पोजिशन इज, देखिए टोटल यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट हो जाती है 9, मतलब डायमेट्रिक पोजीशन होगी 50 - 18, सो दैट इज 32। देखिए 6 पे 32, 0। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट सेवन के लिए, तो अगेन पॉइंट सेवन आपका कहाँ पर है, आउटर सरफेस पर है, तो डायमेट्रिक पोजीशन तो 50 होगी। अब यहाँ पर हमें निकाला है जेड की वैल्यू, तो अगर हम लेते हैं ट्राइंगल 7D6, ट्राइंगल का नाम है 7D6, तो इसके अंदर वापस वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे D10 अल्फा वाला, तो D6/D7 = 1/10 और इस तरीके से D7 की वैल्यू आती है हमारे पास 90, यानी कि जो सेवन्थ पॉइंट है इसके लिए जेड डायरेक्शन में डिस्टेंस टोटल कितनी है यहाँ पर 90, तो सेवन्थ पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास 50, -90। तो इस तरीके से पॉइंट वन के, पॉइंट एट के लिए देखिए, पॉइंट एट राइट सरफेस पर है, इसलिए जेड की वैल्यू तो 0 होगी और 8 की डायमेट्रिक पोजीशन कितनी होगी, देखिए टोटल अब डेप्थ ऑफ कट हो गई है 10, यानी कि 50 - 20, डायमेट्रिक पोजीशन इज 30। तो पॉइंट एट कोऑर्डिनेट हो गए 30, 0। देख लेते हैं पॉइंट नाइन कोऑर्डिनेट, पॉइंट नाइन क्या है, आउटर सरफेस पर है, इसलिए डायमेट्रिक पोजीशन तो 50 होगी। हम निकालेंगे जेड की लेंथ निकालें, तो जेड की लेंथ हम निकाल लेते हैं अगेन ट्राइंगल से, D8/D9 = 1/10 = D9 = 10×D8। तो इस तरीके से D9 की वैल्यू आ गई 100, यानी कि जो नाइन्थ पॉइंट है आपका, इसकी इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी है, 100 है, क्लियर। तो इस तरीके से हमने जो है सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब टूल का पाथ किस तरीके से होगा, देखिए टूल सबसे पहले 1 से 2 की ओर आएगा, 2 से 3 की ओर कटिंग करते हुए जाएगा, फिर 3 से, तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया गया है, इसको आप देख सकते हैं कि टूल क्या कर रहा है, टूल सबसे पहले 1 से 2 की ओर आता है रैपिडली, जहाँ पर डैश लाइन है वो रैपिडली मोशन शो कर रही है और जहाँ पर सॉलिड लाइन है वो कटिंग करते हुए मोशन को यहाँ पर शो कर रही है। देखिए 1 से 2 की ओर टूल आएगा, रैपिडली आएगा, 2 से 3 अगेन कटिंग करते हुए, 3 से 1 रैपिडली, 1 से 4 रैपिडली, 4 से 5 कटिंग करते हुए, 5 से 1 रैपिडली, 1 से 6 रैपिडली, 6 to 7 कटिंग करते हुए, 7 to 1 रैपिडली, 1 to 8 रैपिडली, 8 to 9 कटिंग करते हुए एंड फाइनली 9 to 1 रैपिडली। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाले हैं और हमने जो है एक फ्लो चार्ट बनाया है। अब हमें इस फ्लो चार्ट की सहायता से प्रोग्राम लिखना है कि टूल कहाँ से कहाँ तक जाएगा और रैपिडली जाएगा या कटिंग करते हुए यहाँ पर जाएगा, क्लियर। तो चलिए हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, ब्लॉक नंबर 1 लिखते हैं, G92X0Z100EOB 0 प्रीसेट कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 100 है, इसलिए यहाँ पर हमने जेड 100 लिखा है, तो हमने 0 प्रीसेट कर लिया। इस प्रकार सेकंड ब्लॉक G71, G90, G94 होगी। G71 डायमेंशन mm में होगी, G90 का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ ऑन है, G94 फीट रेट होगी वो mm पर मिनट में यहाँ पर होगी, और इस लाइन को हम बोलते हैं सेफ्टी लाइन, क्लियर।
नेक्स्ट इज N03, यहाँ हमने क्या किया है M06 T02 EOB, यहाँ हमने जो है टूल सेलेक्ट किया है, टर्निंग टूल हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। M06 का मतलब होता है टूल सेलेक्शन एंड T02 क्या है, जो टूल हमने सेलेक्ट किया है उसका नंबर है ना, नंबर एक दिया जाता है टूल को, वो हमने यहाँ पर T02 लिख दिया है। नेक्स्ट इज N04, क्या करेंगे स्पिंडल ऑन करेंगे, M03 स्पिंडल ऑन हो गया क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, S100 800 RPM से F100 100 mm पर मिनट की फीड रेट यहाँ पर रहेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था फ्लो चार्ट में, क्या करना है टूल को पोजीशन वन पर लाना है, तो हम पोजीशन वन पर ला रहे हैं रैपिडली, यानी कि टूल जहाँ भी होगा वो पॉइंट वन पर आ जाएगा। N05 G00 X54 Z2 UB, यानी कि टूल आपका जो है वो पोजीशन वन पर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फ्लो चार्ट में देखिए आप, वन पे आ गया टूल, अब वन से टू पे रैपिडली आएगा, टू से थ्री पे कटिंग करते हुए आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं टूल वन पे आया रैपिडली, फिर वन से टू पे रैपिडली आएगा, देन टू से थ्री पे कटिंग करते हुए और थ्री से वन पे वापस रैपिडली। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने जो है चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, इस तरीके से फ्लो चार्ट में, फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। और अभी जब फ्लो डायग्राम के साथ हम जो है प्रोग्राम यहाँ पर लिख लेंगे, अब क्या होगा पॉइंट वन के बाद कहाँ पे आएगा, टू पे आएगा रैपिडली। तो यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं N06 X44 Z0 EOB, यहाँ देखिए G00 अगर हमें लिखना था, लेकिन G00 हमने पहले लिख दिया है फिफ्थ ब्लॉक में, तो सिक्स ब्लॉक में हमें इसको यहाँ पर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप X और Z ये भी यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से N06 तक टूल आपका कहाँ पर आ चुका है, पॉइंट टू पर आ चुका है। नेक्स्ट टू से थ्री की ओर, नेक्स्ट टूल आप आएगा टू से थ्री की ओर कटिंग करते हुए, N07 G01 X50 Z-30 UB, यहाँ पर आपको जो है कोऑर्डिनेट, जो थर्ड पॉइंटर से कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं आपको, G01 यानी कि टूल को लिनियर मोशन करनी है कटिंग करते हुए, और कहाँ तक जाना है X50 Z-30 पॉइंट तक जाना है, यानी कि यहाँ पर हम जो है पहला कट लगा लिया। अब क्या करेंगे टूल को वापस पॉइंट वन में भेजना है, तो N08 G00 X54 Z2 UB, नेक्स्ट टूल को वापस हम क्या करेंगे पॉइंट फोर पर लाएंगे रैपिडली, N09 X38 Z0 UB, नेक्स्ट क्या करेंगे हम कट लगाएंगे, सेकंड कट लगाएंगे, सेकंड कट कैसे लगता है यहाँ पर, सेकंड कट के लिए क्या करेंगे टूल को फोर से फिफ्थ को ले जाएंगे, सेकंड कट में फोर से फिफ्थ को ले जाएंगे, फोर टू फिफ्थ। तो यहाँ पर हम ले गए हैं यहाँ पर N10 में देखिए आप G01 X50 Y-60 UB, सेकेंड कट यहाँ पर लग गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे फिफ्थ पॉइंट से वन पर ले जाएंगे, तो N11 में हम जो है वन पॉइंट पर ले गए हैं, G00 X54 Z2 UB। नेक्स्ट हम क्या करते हैं वन से नेक्स्ट डेप्थ ऑफ कट लेते हुए नीचे लाएंगे, तो अब हम टूल को ले जाएंगे पॉइंट सिक्स पर, क्लियर, वन से सिक्स पे आएंगे, देखिए वन से आप सिक्स पर आ रहे हैं और सिक्स से आप सेवन पर जाएंगे कटिंग करते हुए। तो यहाँ आपने लिखा है जो है N12 के अंदर X32 Z0 EOB, पॉइंट सिक्स पर आप आ चुके हैं। N13 G01 X50 Y-90 UB, थर्ड कट आप जो है लगा रहे हैं, सिक्स से सेवन की ओर जाएंगे और थर्ड कट यहाँ पे लग जाएगा। नेक्स्ट अब क्या करना है टूल को आपको पोजिशन वन पर लाना है, पोजिशन वन पर आप रैपिडली लाइए N14 G00 X54 Z2 UB, तो टूल आपका जो है वन पर आ गया। अब क्या करेंगे तीन कट लग चुके हैं, टूल आपका जो है वन पर, वन पॉइंट पर है, अब क्या करेंगे टूल को पॉइंट एट पर लाएंगे रैपिडली, टूल को पॉइंट वन से पॉइंट एट की ओर रैपिडली लाएंगे और एट से नाइन की ओर जाएंगे कटिंग करते हुए। तो इस तरीके से चारों कट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, और देन अगेन क्या होगा कट लगने के बाद टूल नौ पॉइंट से एक पॉइंट की ओर रैपिडली यहाँ पर आ जाता है। आप जो इस फ्लो डायग्राम में भी देख सकते हैं टूल वन से एट की ओर रहेगा, 8 से 9 की ओर लगेगा लीनियर कट और 9 से 1 की ओर रैपिडली यहाँ पर मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से टूल आपका N15 में 0.8 की ओर रैपिडली आ रहा है, X30 Z0 EOB, नेक्स्ट 8 से 9 की ओर चौथा कट लगाते हुए, N16 G01 X50 Z-100 EOB, तो इस तरीके से जो है फोर्थ कट भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाता है, N17 G00 X54 Z2 UB, और टूल को हम क्या करेंगे वापस अपनी पुनः स्थिति में भेज देंगे, और लास्ट में क्या करते हैं स्पिंडल को यहाँ पर ऑफ कर देते हैं। और इस प्रकार देखा आपने कि इस प्रकार हम क्या करते हैं टेपर टर्निंग यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं।
तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। थैंक यू।